दोस्तों टर्माइट इंसेक्ट से तो आप सभी परिचित ही होंगे। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें दीमक कहा जाता है। इनकी करीब 2000 से अधिक प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। आज भारत समेत विश्व के लगभग हर क्षेत्र में दीमक पाए जाते हैं। वैसे छोटे से दिखने वाले इस इंसेक्ट को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये इंसेक्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये आपको हमारी आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको दीमक से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दीमक इंसेक्ट की प्रजाति से आता है। वैसे तो दीमक का प्रकोप हर मौसम में रहता है, परंतु बारिश के मौसम में दीमक अत्यधिक पनपते हैं। इसका कारण बारिश में नमी का रहना है। दरअसल ये इंसेक्ट नमी वाली जगह पर या फिर आप कह सकते हैं कि अंधेरे में अधिक पनपते हैं। आमतौर पर दीमक बस्तियां यानी कि कॉलोनीज बनाकर समूहों में रहती हैं, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनकी बस्तियों में सामाजिक संगठन की पूरी व्यवस्था रहती है। जी हाँ, बस्तियों का कार्य सही तरीके से करने के लिए इनके समूहों में राजा रानी श्रमिक सिपाही तथा सेविकाएं दीमक होती हैं। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुतों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि एक छोटा सा इंसेक्ट इतना बड़ा सामाजिक संगठन कैसे बना सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये हकीकत है। यहाँ तक कि इनके समूहों में जब रानी दीमक की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है यानी रानी दीमक मर जाती है, तो श्रमिक दीमक किसी भी मादा बच्चे को विशेष खाना खिलाकर उन्हें अपने समूह की रानी बना देते हैं। दोस्तों दीमक दिखने में तो चींटी की तरह लगते हैं, लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार दीमक चींटी से भिन्न और उनकी अपेक्षा कम विकसित होते हैं। रिसर्चर्स की माने तो ये इंसेक्ट पिछले 20 से 30 लाख वर्ष पहले से धरती पर हैं, और ये केवल गर्म तथा शीतोष्ण देशों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों दीमक खुद से बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये समूहों में बस्तियां यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनके कॉलोनी यानी कि घर को वल्मिक या टर्माइटेरियम कहा जाता है, जिसे ये मिट्टी पानी और अपनी लार से बनाते हैं। दरअसल दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपना लार मिलाकर टर्माइटेरियम का निर्माण करते हैं। इनकी लार में उपस्थित सब्सटेंस धूप में सूखकर कठोर और मजबूत हो जाती है। दोस्तों आज टर्माइटेरियम आपको हर देश में देखने को मिल जाएंगे। टर्माइटेरियम के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनमें ये रहते हैं। ये कई बार जरूरत से ज्यादा ऊंचे और विभिन्न प्रकार के नजर आते हैं, जिसे देखकर अक्सर लोग इसे टीला समझने की गलती कर देते हैं। दोस्तों वैसे तो आमतौर पर टर्माइटेरियम 4 से लेकर 10 फीट तक ऊंचे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये 20 फीट ऊंचे भी पाए गए हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर काफी ऊंचे टर्माइटेरियम दिखाई पड़ते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको ऊंचे टर्माइटेरियम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिसर्चर्स को ब्राजील के उत्तरी पश्चिमी इलाके में जंगलों में दीमकों द्वारा बनाए गए ऊंचे टर्माइटेरियम मिले हैं, जो दिखने में बिल्कुल किसी टीले की तरह नजर आते हैं। इन रहस्यमय टीलों से मिट्टी लेकर जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये करीब 4000 साल पुराने हैं। और अगर बात करें इनके साइज की तो इनका आकार ग्रेट ब्रिटेन जितना बड़ा है। दोस्तों ये टीले करीब 88,000 स्क्वायर माइल्स क्षेत्र में फैला हुआ है। दीमकों के इन टीलों की खोज ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड के एंटोमोलॉजिस्ट स्टीफन मार्टी ने की है। दीमकों द्वारा बनाई गई ये टीलेनुमा आकृतियां 8 फीट लंबी और 30 फीट तक चौड़ी हैं। दोस्तों यहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई टीले बने हुए हैं, कुछ टीले तो 60 फीट तक चौड़े हैं। गूगल अर्थ मैप से देखने पर पता चलता है कि जितने क्षेत्रफल में दीमकों के ये टीले बने हुए हैं वो गीजा के 4000 पिरामिडों के बराबर हैं, और इनकी संख्या तकरीबन 200 मिलियन के करीब है। दोस्तों अगर दीमक के समूह की बात करें तो इनमें केवल एक रानी दीमक होती है, और वही पूरे समूह के दीमकों की माँ होती है। रानी दीमक एक बड़े अर्ध गोलाकार सुंदर कमरे में रहती है। देखने में रानी दीमक मोटी भद्दी और फूली हुई होती है। उसका पेट बढ़कर 2 इंच या इससे भी अधिक लंबा होता है। इनका सिर और ब्रेस्ट इतना छोटा होता है कि बिना ध्यान से देखे तो पता ही नहीं चलता। इनके समूह में राजा छोटा और कायर होता है। वो प्रायः रानी के इधर उधर ही घूमता रहता है। रानी के चारों ओर उसकी सेविकाएं और रक्षक भी रहते हैं। ये सब रानी के प्रति अपनी श्रद्धा उसे चाट चाट कर प्रदर्शित करते हैं। रानी का शरीर इतना बड़ा होता है कि वो खुद खाना तक नहीं खा पाती, इसलिए उसे उसके श्रमिक ही खाना खिलाते हैं। दोस्तों इनके समूह में रानी का काम केवल अंडे देना है। वो दिन रात लगातार अंडे दिया करती है। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो एक रानी दीमक प्रति मिनट 60 अंडे देती है।
अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो 24 घंटे में 86,000 अंडे देती है। ज्यों ज्यों वो अंडे देती है, श्रमिक दीमके उन्हें धोकर विशेष कमरों में ले जाकर रख देते हैं। इन्हीं अंडों से कुछ समय बाद निम्फ निकलते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने में 24 से 90 दिनों का समय लगता है। इस समय के लिए कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जिनमें से एक हीट भी है। यदि हीट कम हो तो समय अधिक लगता है। निम्फ रंग रूप में एडल्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। लेकिन कुछ समय बाद वे मोल्ड करके एडल्ट रूप धारण कर लेते हैं। इनमें स्किन डिस्चार्ज आमतौर पर 5 बार होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में सभी निम्फ एक जैसे होते हैं, बाद में उन्हें श्रमिक, रानी या सिपाही भोजन खिलाकर बनाया जाता है। इनमें साधारण बच्चे को विशेष भोजन, विशेष ढंग की मालिश और विशेष ताप रानी बना देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे को सिपाही बनाना होता है तो उसे बिल्कुल दूसरे ढंग का भोजन दिया जाता है। दोस्तों, इनमें जो रानी दीमक होती है वो 4 से 5 साल तक लगातार अंडे देती रहती है और अपनी बस्ती वालों के बीच श्रद्धा का पात्र बनी रहती है। इसलिए जब वो बीमार होती है या उसकी अंडा पैदा करने की गति कम हो जाती है तो श्रमिक दीमक उसके भोजन का खास ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रानी दीमक अंडे देना बिल्कुल बंद कर देती है तो उसका भोजन बंद कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मर जाती है। तब श्रमिक दीमक उसके शरीर को लगातार चाटना शुरू कर देते हैं। इनके मुंह से निकलने वाला पदार्थ इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो धीरे धीरे रानी दीमक के शरीर को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद सभी श्रमिक दीमक मिलकर उसके स्थान पर नई रानी को बैठा देते हैं। दोस्तों, दीमक भोजन में क्या खाते हैं यह उनके विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है। ये सेलुलोज युक्त कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, जिनमें आमतौर पर ये मृत पौधे, पत्ती, लकड़ी, कूड़े, मिट्टी तथा जानवरों के गोबर शामिल होते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि दीमक लकड़ी जरूर खाते हैं, लेकिन वो खुद से उस लकड़ी को पचा नहीं सकते हैं। इसलिए लकड़ी पचाने के लिए वो अपने स्टमक में एक विशेष जाति के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लकड़ी पचाने के लिए एक खास तरह का द्रव्य पैदा करते हैं, जिससे दीमक को लकड़ी पचाने में काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, दीमक के बच्चों को श्रमिक दीमकों और शाही दीमकों का मल भी भोजन के रूप में दिया जाता है। इसी मल द्वारा इनके एक पीढ़ी के आमाशय से दूसरी पीढ़ी के आमाशय में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहुँचते रहते हैं। श्रमिक दीमकें अपने मुँह में एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस भी पैदा करती हैं, जिसे इनके बच्चे और अन्य दीमक चाटते हैं। दरअसल सभी दीमकें एक दूसरे के शरीर से निकला हुआ पदार्थ चाटा करती हैं और इनके कभी कभी चाटने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि वो एक दूसरे के अंग तक को तोड़ देती हैं। दोस्तों, इन दीमकों को हम इंसानों का शत्रु भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जरूरत की बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। ये लकड़ी और चमड़े की वस्तुएं बुरी तरह से नष्ट कर डालते हैं। इसके अलावा ये दरी, कंबल, कालीन, किताबों को भी खा डालती हैं। इनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी भी चीज़ को बाहर से खाना नहीं शुरू करती, बल्कि ये किसी एक किनारे से चुपचाप उसके अंदर घुस जाती हैं और फिर अंदर ही अंदर उसे खा कर खोखला कर डालती हैं। तो दोस्तों, ये थे दीमक और उससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप में से किस किस के घर में ये दीमक लगे हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।